الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

बहुत खुशहाल रखे शरात मस्तकम पर रखे सर्दी और वायरस से आपकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखरत दोनों में कामयाबी और कामरानी नसीब करे आमीन आप बहुत मुबारकबाद की मुस्तक हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो बहुत तेज़ ठंड को हमारा देकर यहाँ पहुँच गए हैं उसको चैलेंज करके वरना आज ब्लैंकेट से किसी का निकलने का दिल ही नहीं कर रहे तो ये कुरान के शहदाई लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह ताला आपका कुरान के साथ जो रिश्ता है इतना मोहब्बत भरा वो मस्जिद मजबूत करे और ये आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी से हर बरकत करार पाए आमीन तो हम लोग जल्दी से आ जाते हैं कौन सी सूरा चल रही थी दरस कुरान में सूरा उम्मीन सूरा मुबमिन की कितनी आयात हम लोग लास्ट टाइम डिटेल में स्टडी कर चुके थे फोर आयात तो आज हम लोग नंबर फाइव ऑनवर्ड्स तफसील से जानेंगे लेकिन उससे पहले उन चार आयात का खुलासा समरी एक छोटा सा रिविज़न तो अल्लाह तय नंबर वन टू इलेवन में सूर्य उबमिन की कुछ मोमिन की सिफात बयान की हैं जिनके मतलब खुशखबरी है कि वो कामयाब हो गए और वो जन्नतों में जाएंगे और फिरदौस के वारिस हैं तो उनमें में सबसे पहले में अब सबसे पहले आज में खुशखबरी सुनाई गई कि कामयाब हो गए मोमिन और आई नंबर में मेंशन किया गया जो अपनी सलाह में खुश करते हैं तो सबसे पहले मोमिन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है सलाह में खुशू होना अल्लाह ताला के सामने हर हाँ दर्ज़े की ह्यूमिलिटी आजजी और इंकज़ारी का ज़ाहिर करना और सबसे इम्पोर्टेंटली दिल खुशबू से भर जाना फिर उसके बाद जो अपने अपने आप को लव से बचाए रखते हैं जो स्टे अवे फ्रॉम डूइंग एनी वेन थिंग थिंग मतलब बे मकसद की बातों से अपने को बचाते हैं लौव से परहेज़ करते हैं यानी कामयाब होने वालों की सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि वो एब्जर्ड वेन लौव से बिल्कुल परहेज़ करते हैं फिर अगली चीज़ क्या बताई गई कि वो ज़क़त के ऊपर वो आमिल हैं यानी और तफसील से बताया था हमने लास्ट टाइम कि ज़कवात के तरीक़े पर आमिल हैं इसका मतलब ये होगा कि वो हर तरह की तथीर और तस्किए का काम करते हैं अपने नफ्स का तस्किया करते हैं और अपने आ, सोल को पाक रखते हैं क्योंकि बिलफेल ज़कात इताई ज़कात अंदाज़ नहीं आया है यहाँ पर जो देने के लिए होता है ज़कात देने के लिए यहाँ पर ज़कात अपने लोगवी माना के अतबार से है यानी पाकी का काम करते हैं तो अपने आप को अपने सोल को और अपने अराउंड सोसाइटी को फिल्थ से इम्प्योरिटी से पाक करते रहते हैं बस इसके आगे का हम लोग आज जानेंगे तो आप के सामने अब तफसील से आएगा आई आए नंबर फाइव ऑनवर्ड्स तो आई नंबर फाइव समाज फरमाइए والذين هم فرود حافظون जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं अगली आठ में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि कामयाब होने वालों की सिफात में एक बहुत इम्पोर्टेंट सिफ़त यह है कि वो अपने फ्रूज की हिफाज़त करते हैं यानी किसी कस्म के गंदे काम नहीं करते हैं अपने आप को पाक रखते हैं दे गार्ड दे प्राइवेट पार्ट्स यानी अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा जायज़ करार दिया है उसके अलावा किसी और तरीक़े से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं इसके ऊपर वाली आर्ट में आ आर नंबर फाइव में मेंशन में किया गया कि वल्दिन ज़क़ाति फ़ाइलून जो ज़कवा़ के तरीक़े पर आमिल हैं तो वो प्योरिटी हाँ सोल की प्योरिटी हो गई ज़क़़़़़़त लेकिन यहाँ पर वाज हो रहा है कि प्योरिटी और भी किसी चीज़ की चाहिए यानी अब जिनसी प्योरिटी अपने जो जिनसी ख़्वाहिशात हैं उसको लिमिट करते हैं अल्लाह ताला के बताए तरीक़े पर रखते हैं और अपने जो जिनसी तल्लक हैं उसको उसका भी तस्किया करते रहते हैं उसको भी प्योरीफाइड रखते हैं और गैर तथहर मतलब गैर पाक तरीक़े से उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं यानी कि जिना की तरफ ले जाने वाले कोई काम नहीं करते हैं इम्प्योरिटी so, सिर्फ ये नहीं है कि बिलफिल जिना सरजद हो जाए बल्कि जिना की तरफ ले जाने वाले कोई काम भी नहीं करते हैं कि अल्टीमेटली जिना सरजद हो जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में सूरा इसरा सूरा नंबर सेवनटीन आ नंबर थर्टी टू में फरमाया कि वला तक रबुजना और जिना के करीब भी मत जाओ तो ये नहीं कहा कि जिना मत करो बल्कि जिना के करीब भी मत जाओ जो ज़िना के करीब जाने वाले काम करता है तो उससे भी मतलब चांसेस हो जाते हैं कि अब वो जिना एडल्ट्री कमिट कर सकता है तो इसलिए जिना के करीब ले जाने वाले जितने काम हैं जैसे कि ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्री होना बातें करना चैटिंग करना घूमना फिरना शॉपिंग करना या फिर बहुत क्लोज होना शेक हैंड करना या हक करना ये सारी चीज़ें जो हैं ये जिना के वो रास्ते हैं जिस तरफ इंसान एक तरफ थोड़ा सा भी बढ़े तो इंसान जिना तक पहुंच सकता है इसलिए वो अपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को गार्ड करते हैं और बिल्कुल जिना के करीब ले जाने वाले काम भी कमेंट्स नहीं करते हैं जिससे वो प्योर रह पाते हैं और जब जिस सोसाइटी में प्योरिटी होती है जिनसी इंजबात होता है जेंडर डिसिप्लिन होता है वो सोसाइटी इतनी पुख्ता और इतनी कामयाब सोसाइटी होती है क्योंकि उसमें क्या है सबसे पहली बात तो ये हो गई कि फैमिली में बिल्कुल यानि फैमिली खुशहाल होती है जब हस्बैंड अपने वाइफ के लिए वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ट्रस्टवर्दी है तो घर में कितनी खुशहाली होगी जब बाहर कोई नाजायज काम नहीं किया जाएगा तो उसका मतलब अपने उस पाउस के साथ उसका लाइफ पार्टनर बहुत लॉयल है भरोसेमंद है ट्रस्टवर्दी है तो फैमिली कितनी उसकी स्ट्रांग होगी फैमिली स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली वो सोसाइटी भी स्ट्रांग होगी जो फैमिली जो सोसाइटी का हर एक लिंक होती है हर एक कड़ी है फैमिलीज़ फैमिलीज से मिलकर ही तो सोसाइटी बनती है माशरा बनता है तो वो माशरा नहायत पाक होता है जहाँ जेंडर डिसिप्लिन होता है और जहाँ जेंडर डिसिप्लिन नहीं होता कहीं भी मुंह मारते रहते हैं लोग वो सोसाइटी गंदी होती है और उस सोसाइटी में बहुत सारे जरायम होते हैं जिससे अल्टीमेटली अमन नहीं रह पाता अमन तभी आ सकता है जब जरायम से पाक हो सोसाइटी और सोसाइटी पाक तभी हो सकती है जब फैमिलीज़ में पाकी हो फैमिलीज़ में लॉयल्टी हो स्पाउस का एक दूसरे से तो ये सोसाइटी तभी वजूद में आ सकती है जबकि इस्लामी जो सारे शरीयत है उसको फॉलो किया जाए फ्री सेक्स सोसाइटी कभी भी प्योर सोसाइटी नहीं हो सकती है बल्कि ये फ्री सेक्स सोसाइटी पूरे ख़ानदानी निज़ाम को बिगाड़ती है फिर समाज में बुराइयाँ आम हो जाती हैं और उस सोसाइटी के जो अफराद होते हैं जो इंसान होते हैं नायात गिरे हुए इंसान होते हैं आली ज़र्फ़ लोग नहीं होते हैं तो अल्लाह ने मोमिन की सिफात में जो सक्सेसफुल होंगे सबसे पहले यही खबर सुनाई गई थी ना कि सक्सेसफुल आर द बिलेवर्स कौन से बिलेवर्स जो ये काम करते हैं उनमें से एक सिफत बयान की गई कि वो क्या करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को गार्ड करते हैं वो गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करते हैं देखिए आ, प्राइवेट पार्ट्स को गार्ड करने आ, या तो आ, सोसाइटी में कोई जेंडर डिसिप्लिन होने या अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने ना करने के तीन राहें हो सकती हैं एक तो ये कि ये जो जिनसी ख्वाहिहिश है इसको बिल्कुल दबा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए ये रहबानियत का तरीक़ा है ठीक थी, ठीक है क्रिश्चियन मोनास्टिसिज्म में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है हर मज़ाहिब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना ये गिरी हुई बात है और इंसान अल्लाह ताला तरब हासिल नहीं कर सकता अगर जिनसी ख्वाहिश पूरी की जाए तो वो राहिब हो जाते हैं क्रिश्चियंस में कहें तो राहिब कहलाते हैं और हिंदूज़ में कहें तो सन्यासी होते हैं और बुद्धिज़्म में कहें तो भिक्षु होते हैं ये सब क्या करते हैं तर्क कर देते हैं जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना बिल्कुल तरह से तर्क कर देते हैं तो एक तो ये शक्ल है दूसरी शक्ल ये है कि हर इंसान को आज़ाद छोड़ दिया जाए जिस तरह का आ जाता है आजकल नारे लगते हैं मेरा जिस्म और मेरी मर्जी तो एक दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जिसका जहाँ जिज उमर रहे कोई डिसिप्लिन ना हो और एक तीसरी सूरत जो है वो ये हो सकती है जो इस्लाम ने बताई है कि वो जो हैवानी तकाज़ों में से एक तकाजा है जिनसी तकाज़ा उसको पूरा होना चाहिए लेकिन उसे लगाम लगानी चाहिए लिमिट हो करना चाहिए उसे और वो स्पाउस तक लिमिट हो या आगे जो एक्सेप्शन बताया जाएगा वहाँ तक लिमिट हो बस उसके अलावा इसके बाहर कोई काम किया जाएगा आ, उस ख्वाहिश को पूरी किया जाएगा तो वो इलेजिटमेट सेक्स कहलाएगा जो कि जायज़ नहीं है तो इस्लाम ने यह तीसरी राह इख्तियार की है ना ही नफ्स को कुचल मारने का हुक्म दिया है कि ख्वाहिश उभर रही है उसे दबा दो इसके बहुत सारे बुरे नतए जा सकते हैं पहली बात तो ख्वाहिश को दबाया जा रहा है सबके बस का नहीं है कि दबा सके कुचल मार कुचल दे ये सबके बस का नहीं है हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनास्टिसिज्म किताबें पढ़िए आप आपको पता चलेगा कि जो क्रिश्चियन राहिब होते हैं ना वो बज़ाहिर राहिब हैं उन्होंने तर्क कर दिया है ये सारी चीज़ इस जंजाल से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं और ऐसा कोई रिलेशन उनका नहीं है रियलिटी ये है कि वो क्रिश्चियन चर्चेस के अंदर राहिब और राहिबा आपस में इलेटमेट सेक्स करते हैं और उनके पीछे की जो ज़मीनें और उनके तहखाने हैं वो इलीगल बच्चों के कब्रस्तान हैं ये हम नहीं कह रहे हैं आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए सब रिटन है कि एक्चुअली ये होता है तो इतना आसान तो है नहीं कि अल्लाह ताला ने एक अर्ज रखा है उसको बिल्कुल से क्रश कर दिया जाए तो ये जो तरीक़ा है बिल्कुल मिटा देने वाला ना उसको कुचल मारो ये तरीक़ा भी इस्लाम ने पसंद नहीं किया और दूसरी तरफ बिल्कुल फ्री छोड़ दो मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी जिधर भी जाए जिसम के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करता फिर वो तरीक़ा भी नहीं इस्लाम ने रवा रखा बीच की राय अख्तियार की है कि नहीं जो ज़रूरत है वो पूरी होगी लेकिन जायज़ तरीक़े से होनी चाहिए और उसके अलावा जो कोई करेगा तो वो एक्चुअली गुनाह होगा और वो जन्नत में जाने वाले नहीं होंगे जो कहीं से भी अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं तो वो जो एक्सेप्शन बयान किया अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता कहा गया वल्लिन अहम लिफरूज हाफिजून जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं या फुल स्टॉप हो जाता और आगे की तो आयात नहीं होती तो इसका मतलब ही पलट जाता इसका मतलब हो जाता कि वो जो रुहबान हैं दे आर ऑन द राइट पाथ इस्लाम भी यही सिखा रहा है कि जिनसी ख्वाहिश पूरी करना एक मलामत का काम है नहीं यहाँ पर इस्लाम आन चुप नहीं हुआ है फुल स्टॉप नहीं लगा है बात इससे आगे बढ़ती है लिहाजा आप आई नंबर सिक्स और सेवन समाप्त फरमाए स्वी जिस अपनी बीवियों और मिल्कियत के लॉन्डियों के यकीन ये मलामतियों में से नहीं है सिवा कुछ और चाहे वो ये हद से तजावुज कर जाने वाले हैं बेशक तो बात कंटिन्यू होती है आय नंबर सिक्स में फरमाया गया सिवाय उसके किसके अजवाज के या मिलके के यमीन के और इसके अलावा जो चाहे वो हद से बढ़ने वाले हैं जो अजवाज और मिलके अमीन तक महदूद रहें अपना जो अर्ज है सेक्शुअल अर्ज है वो पूरा करें अजवाज यानी वाइफ वाइब्स या तो मिलके के अमीन से जिसको कनीज़ ममलूका कह सकते हैं उससे उन पर कोई मलामत नहीं है अब देखने की ज़रूरत ये है कि अजवाज किन के लिए कहा गया है कोर्स ये बीवियों के लिए कहा गया है कुरानी हकीम में जऊज माना कुरान हकीम में जहाँ कहीं भाई आता है वो वाइफ या समटाइम्स इस के मानों में भी आता है हस्बैंड के लिए वाइफ वाइफ के लिए हस्बैंड लेकिन इसमें तमाम तमामा बल्कि सहबा का कहें कि इतफाक़ है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए कहा गया है यानी फीमेल वाइफ ना कि इसका ऑपोजिट कि एक औरत के लिए उसका ममलूक उसका गुलाम भी उसके लिए जायज़ होगा एक मरतबा एक औरत ने इस आर्ट को मिसअंडरस्टूड कर लिया था उमर रजीला के दौर में और वो अपने ग़ुलाम से तमक् कर बैठी थी जब वो उसका मुकदमा सहाबा के दरमियान में आया उमर रजीलाु के पास तो तमाम सहाबा ने यकजबान होकर यही कहा कि उसने अल्लाह ताला की आर्ट को मिसअंडरस्टूड किया वो नहीं समझी यानी कि ये जो छूट दी जा रही है जिस तरह मर्द के लिए एक से ज़्यादा बीवियाँ चार तक जायज़ हैं उसी तरह मर्द के लिए ये जायज़ है कि वो उनकी जो मिल के अमीन हैं उनके साथ तमटो कर सकते हैं वो बीवी के साथ भी और उनके साथ भी सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं लेकिन एक औरत के लिए ये जायज़ नहीं है जिस तरह की वो एक से ज़्यादा हस्बैंड रखे पॉलीएंड्री जायज़ नहीं उसी तरह वो अपने ममलूक गुलाम के साथ तमतो भी नहीं कर सकती है तो इसमें जो बातें और टेक्निकल है उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ये बहस कुछ नए नह, नई नही, नहीं होगी आपके लिए कि एक औरत को एक से ज़्यादा पार्टनर्स की ज़रूरत क्यों नहीं है और नहीं होना चाहिए और मर्द को एक से ज़्यादा पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है और वो मैनेज कर सकता है ये आई डोंट थिंक कि आपको किसी को भी जानने की फ़र्दर ज़रूरत है कभी कभी डिस्कस होता ही रहता है अब मर्दों के लिए जो कहा गया कि अपने अजवाज और मिल के अमीन के साथ वो रिलेशन बनाए तो कोई मलामत जद, मलामत किए जाने वालों में से वो नहीं है देखिए यहाँ पे जो मिल के अमीन के लिए जो लफ्ज़ आया है अमा मलकत ऐम ऐमान आप सब जानते होंगे ना अहद को भी कहते हैं कोविनस को भी कहते हैं वादे को ना यानी इस्लाम जो है वो अगर आ, किसी को किसी के अंडर में दे रहा है तो उसे जिम्मेदार बना रहा है सिर्फ उसे जिनसी लज्जत देने की छूट नहीं दे रहा है बल्कि उसे ज़िम्मेदार बना रहा है यानी उसके ऊपर वो ज़िम्मेदारी है कि वो उसकी ज़रूरियात को पूरा करे साथ ही उसको उसके साथ वो रिलेशन भी बना सकता है ये बहुत लोग के गले से उतरता नहीं है लेकिन इसका जब डीप स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा कि मिल के अमीन से यानी ममलूका से तम करने की इजाज़त जो इस्लाम ने दी है वो कितना सोसाइटी में रहमत है ना कि जहमत पहली बात तो ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट ए सोसाइटी में ये ग़ुलामी और ममलूक़ा होने का बिल्कुल कॉन्सेप्ट ख़त्म है ऑलमोस्ट शायद ही दुनिया के किसी ख़त्ते में कभी किसी आर्टिकल में पढ़ने में आ जाता है लेकिन बहरहाल ये ऑलमोस्ट ख़त्म है इस वक्त दुनिया से जिस दौर में इस्लाम ज़ाहिर हुआ कुरान मजीद नाजिल हुआ उस दौर में ऐसा था कि जो जंगों से हासिल होने वाली खातीन होती थीं उनको अपनी मिलकियत में लिया जाता था और गुलाम बनाया जाता था और इस्लाम ने उसे कंटिन्यू किया है लेकिन बहुत सारे हिदायत दी हैं बहुत सारे अहकाम बयान किए हैं उनके बहुत सारे हकूक़ बयान किए हैं तो उनमें से अगर एक हक ये भी दिया है कि आका उसके साथ रिलेशन बना सकता है तो वो गले से क्यों नहीं उतरता देखिए हमारी सोसाइटी में ये इसमें किसी को परेशानी नहीं होती कि जो मनकूहा है उसके साथ तो फिजिकल रिलेशन हस्बैंड बनाए क्यों क्योंकि वो बहुत नॉर्मल बात है इस वजह से शायद क्यों मतलब बीवी के साथ अगर रिश्ता कायम करे शोहर तो अजीब नहीं लगता ना हम लोगों को क्यों अगर जब बीवी बीवी कि, किस वजह से उसके उस उसके साथ रिलेशन बनाना लीगलाइज हुआ निकाह की वजह से लेकिन ममलोका का किस वजह से रिलेशन बनाना जायज़ हो गया मिल्क की वजह से उसकी मिल्कियत में आ गई ना अल्लाह का बनाया कानून ये भी अल्लाह का बनाया कानून ये भी तो उसमें हमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लेकिन शौहर बीवी का हमारी सोसाइटी में आम है तो हम आसानी से उसको नॉर्मल बात समझते हैं लेकिन वो वो भी अल्लाह का कानून है और ये भी अल्लाह का कानून है कि मिल के अमीन के साथ रिलेशन बनाए वो हमारी थ्रोट से उतरता नहीं अब ज़रा सोचिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता और जहाँ नहीं होता था तो वहाँ क्या होता था और आज भी जो जंगों में कैदी बनाए जा रहे हैं आज की भी जंगों में कहने का मतलब ये नहीं कि अब उन्हें ग़ुलाम बनाना चाहिए कहने का मतलब ये कि उनके साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा है ज़रा डिटेंशन कैंप्स की हालत को पढ़ लीजिए आप लोग एक बार कि डिटेंशन कैंप्स में जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंडस इम्प्रिजनर्स होते हैं एक तरह से इम्प्रिजन ही किया जाता है उन्हें क़ैद किया जाता है उनके साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है फ़ौजी लोग उनसे एक एक से कितनी कितनी बार बदकारी किया करते हैं खाने पीने वॉशरूम जाने तक की भी उन्हें आ, वो आज़ादी और आ, आ, फैसिलिटी नहीं होती है ना जाने किस तरह से बिहेव किया जाता है तो उस टाइम पर जब, जब जंगें बेशुमार हुआ करती थीं अगर इस चीज़ को एकदम से स्टॉप कर दिया जाता तो आपने कभी सोचा है समाज में क्या सूरत हाल बन के सामने आती ये जो भी मिल्कियत में दे दिया जाता लेकिन उनके साथ आका का रिश्ता रात में जायज़ नहीं होता तो क्या होता कि एक खातून है उसका शौर तो या छूट गया है या मर गया है हाँ और उसके पास अब जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो अल्टीमेटली क्या करती सोसाइटी में इधर उधर डोरे डाला फिर डालती फिरती कि नहीं दूसरे मर्दों के ऊपर डोरे डालती और समाज में गंदगी पनपती इस गंदगी से सोसाइटी को पाक करने के लिए इस्लाम ने उसको चैनलाइज कर दिया और उसको रूल्स रेगुलेशंस में जकड़ कर सबको बिल्कुल डिसिप्लिन में ला दिया कि जो भी आका को जो मिलके अमीन उसके उसके मतलब बा, बा, बांदी मिलेगी तो उसके खाने कपड़े की जिम्मेदारी उसकी होगी उस सोसाइटी में उसको आ, उसके उसके आका का नाम मिलेगा कि फलां की आ, वो है मिल्क है और अगर उससे औलाद होगी तो एक आज़ाद औरत से जिससे उसने निकाह किया है उसकी औलाद और एक बांदी से जो औलाद होगी उन दोनों में बाल बराबर का भी फ़र्क नहीं होगा इतने क्वालिटी दी गई और फिर इसको कभी भी इस औरत को जिससे औलाद भी ले चुका है मर्द उस औरत को कभी फ़रोख्त नहीं कर सकता है अब वो अब वो उसके बच्चे की माँ है तो बहुत सारे हुकूक मतिन किए लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता इन ख़वात को फ्री छोड़ दिया जाता तो सोसाइटी में बहुत गंदगी फैलती क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ इट कि जिनसी ख़्वाहिश भी एक इंसान की ज़रूरत है और उसको डिसिप्लिन में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है लिहाजा इस्लाम ने यह तरीका इख्तियार किया है कि इसको डिसिप्लिन इसका सेक्स डिसिप्लिन जेंडर डिसिप्लिन मेंटेन किया है तो जो लोग अपनी बीवी या अपनी ममलूका के साथ अपने सेक्शुअल अर्ज को पूरा करते हैं तो उनको कोई मलामत नहीं कर सकता लफ्ज आया है जिसका रूट है लाम वाओ मीम यानी उन पर कोई मलामत नहीं कर सकता उनको कोई बुरा नहीं कह सकता वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो ये जायज़ तस्किन जिन्स के लिए है कि अगर इस रास्ते से अपनी कोई ज़रूरत पूरी करता है तो कोई भी मसला नहीं है और साथ में निकाह, और निका है मुता जो अभी भी जायज़ समझा जाता है वो कतई जायज़ नहीं है यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज़ होती हैं मुता के बारे में सुन रखा होगा आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज ये बिल्कुल इनवैलिड हैं इस्लाम के एकदम शुरुआती दौर में अलाउड थी फिर उसके बाद उसे मना कर दिया गया तो ये नहीं कर सकते उसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया ये दो तरीक़ों के अलावा निकाह से जो हाँ बीवी साथ में आई है वो या फिर मिल के अमीन है दाहिने हाथ जिसके मालिक हैं राइट हैंड पॉज ठीक है मिल के अमीन यानी वो जिम्मेदार हैं उनके वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के उनको सोसाइटी में इज़्ज़त दिलाने के उनको प्रोटेक्शन देने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं वो शख्स जिस जिसकी मिल्क में है वो खातून तो इस तरह से इस्लाम ने उसको लिमिट किया इसके अलावा जो तरीक़े हैं वो सब इनवैलिड करार पाए यानी जना या अमल कमलूट या मास्टरबेशन जिसमें उलमा का इख्लाफ है ये सारे तरीक़े ये सारे तरीक़े इस्लाम ने हराम करार दिए यानी एडल्ट्री और फॉर्निकेशन ऑल काइंड्स ठीक है उसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी या अमल आमलूत या उस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हराम करार दिए गए मास्टरबेशन के स्कॉलर्स का डिफरेंस ऑफ उप ओपिनियन है इमाम अहमद इब्न हम्बल रहल्ला इसको जायज़ करार देते हैं जबकि इमाम शाफ़ और मालिक रमा ये बिल्कुल ही हराम करार देते हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रमोल इसके मतलब ये कहते हैं कि है तो ये मलामत वाला काम लेकिन अगर किसी का निकाह नहीं हुआ हो और अपने नफ्स को जब्त नहीं कर पा रहा हो तो मास्टरबेशन इज़ अलाउड एट दैट टाइम लेकिन प्रेफरेबल तो नहीं है कभी भी तो इस इस तरह से मास्टरबेशन में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बाकी जितने भी तरीक़े होंगे अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के वो ये दो तरीक़ों के अलावा निकाह और मिल के अमीन के अलावा सारे के सारे नाजायज़ और हराम करार पाए इस्लाम में तो जो मोमिन है वो कामयाब तभी हो सकता है जब वो अपना जो जिनसी ख्वाहिश है उसको भी सिर्फ जायज़ तरीक़े से पूरा करें और नाजायज तरीक़े से पूरा नहीं करें। ऊपर से देखिए अभी आगे तक भी देखिएगा हर हुक्म के लिए एक आयत है सलाह के लिए दो आयतें शुरू में और आखिर में लेकिन जेंडर डिसिप्लिन के लिए और जिनसी तहहीर के लिए तीन तीन आयत हैं आय नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन तीन तीन आयत हैं तो इस तरह से अल्लाह ने वाजे कर दिया कि कितना ज़रूरी है शर्मगाहों की हिफाजत वो वाली हदीस सबने सुना होगा बुखारी की हदीस है कि तुम मुझे गारंटी दो वो जो दोनों चीख्स के बीच में दोनों जबड़ों के बीच में है और जो दोनों थाईस के बीच में इन दो चीज़ों की तुम मुझे ज़मानत दे दो तुमको जन्नत की ज़मानत है तो इतना इम्पॉटेंट है ये जुबान और दूसरी ऑफ़ कोर्स शर्मगा तो ये इतना इम्पॉटेंट है कि ये जुबान और शर्मगा से जायज़ ही सरजद हो अमल और नाजायज नहीं हो अदरवाइज वो वारिस नहीं होंगे जन्नत के वो वारिस नहीं होंगे फिर दोस्त के जो कहीं भी बस अपनी ज़रूरत और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं बल्कि वो लोग जो अल्लाह से डरने वाले हों और नाजायज़ तरीके से नहीं करें एक बात और यहाँ पर हम वाजी करना चाहते हैं, बल्कि आपका जो अटेंशन है उसे हम सीख करना चाहते हैं वो निकाह के मतलब कि देखिए जब सोसाइटी में गंदगी पनपती है ना तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा रीज़न खूस इस वक्त में आपका है वो ये है कि लेट मैरिज़ जितनी देर में निकाह होगा समाज में उतनी गंदगी बढ़ सकती है और जितना अर्ली मैरिज होगी कहने का मतलब बच्चा बालिक हुआ उसे उसकी जिनसी ख्वाहिश भी एक एक ज़रूरत है उसकी वो जायज़ तरीक़े से पूरी होना शुरू हो गई तो हाई चांसेस हैं कि इधर उधर क्यों मुंह मारेगा तो एक बहुत बड़ा मसला है जिस सोसाइटी में जिनसी बेराह रवि बढ़ जाए उस सोसाइटी में मुसलमानों को खूस ये देखना चाहिए कि उनके जो कवानी और जो आमाल और तराइ हैं वो क्या हैं उस पर गौर करना चाहिए पाएंगे कि निकाह देर से हो रहा है तो निकाह करने में जल्दी करें निकाह जब टाइम से होगा तो जिनसी बेरा रवि नहीं बढ़ेगी लेकिन निकाह में लेट होगा तो गलत जगह से अपनी ज़रूरत को पूरी करना शुरू हो जाएगा यही सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है लिहाजा हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि हरामकारी आसान हो गई है क्योंकि अभी निकाह करने का होगा तो फिर मेहमानों के आने का उनका अरेंजमेंट और इतने लाखों लाख नहीं अब तो करोड़ों में लोग ख़र्च कर रहे हैं मैरेज़ में तो इतना लाखों करोड़ों रुपए होना चाहिए और हाई सैलरी जॉब पे सेट होना चाहिए लड़का और न जाने क्या क्या खुराफात लवाजमत इतनी चीज़ें हमने करके निकाह को बहुत टफ़ कर दिया निकाह टफ हो गया तो हराम करिए आसान हो गई जिना आसान हो गया उसमें क्या करना पड़ता है कुछ पे नहीं करना पड़ता है न लाखों ना करोड़ों कुछ भी नहीं लिहाजा निकाह के सिस्टम को आसान किया जाए ताकि जिना दुशवार हो जाए तो अगर सोसाइटी का प्योरफ़िकेशन करना है तो ये बात भी बहुत इम्पॉटेंट है कि वक्त होते ही बालिग होते ही बच्चों को उनका निकाह कर देना चाहिए जायज़ जगह से उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो सोसाइटी में गंदगी फैलने ना पाए ये इसका एक आसान सा तरीक़ा है और हदीस का मफहूम ये भी है कि अगर ब, बच्चा बालिग हो गया है और वालदेन उसका निकाह नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वह गुनाह में पड़ गया तो वालदेन की भी पकड़ होगी उनसे भी पूछा जाएगा लिहाजा वालदे कान खोल कर सुन लें कि अपने अरमान को ज़रा दबाएँ और निकाह को आसान करें ताकि बेराह रवि और जिना दुशवार हो जाए और सोसाइटी में और खूब आपकी खुद की औलाद पाक बाजो अगली जो सिफत बयान की गई है आई नंबर एट में है उसको समात फरमाए जो अपनी अमानतों और वादे की हिफाजत करने वाले हैं अगली दो सिफात जो अल्लाह ताला ने बयान की कामयाब होने वालों की वो क्या है कि अमानत का और वादे का पास लिहाज करते हैं वो उसके राई हैं देखिए अमानात हिम लफ्ज़ आया है अमानत वर्ड अमन से है यानी जब हम पर कोई भरोसा करे और हम उसके भरोसे को पूरा करें तो अमन रहता है ना तो जब अमानत रखी जाए तो उसे खियानत ना किया जाए तो ही अमन है तो अमानत तो अमन से है अहद सब लोग जानते हैं वादे को कहते हैं जो कहा जाए वो पूरा किया जाए और राउन जो आया है ये राई का प्लूरल है राई मीन्स होता है शेफोर्ड चरवाहा चरवाहा क्या करता है अपने जो फ्लॉक होता है अपना गल्ला जो होता है उसकी हिफाजत करता है उसके लिए बहुत सुपर वाचफुल होता है तो इसलिए यहाँ पर ये दो जो सिफात UH! है अमानत की और वादे की वो बहुत पासो लिहाज रखते हैं उसके लिए बहुत वाचफुल हैं उसकी बहुत हिफाजत करते हैं राई की तरह हैं चरवाहे की तरह इन दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं इनकी हिफाज़त करते हैं राई का यही काम है ना अगर चरवाहा रोज़ रोज़ दो चार भेड़ बकरी गुम कर दे तो फिर किस बात का राई है वो क्या देखभाल की उसने हुँ? तो एक मोमिन जो होता है जिसको जन्नत में जाने की बशारत दी जाने वाली है वो मोमिन अपनी अमानतों और अपने वादों के लिए बहुत कॉन्शियस होता है बहुत वॉचफुल होता है उसने कह दिया है तो उसे करना है उसके पास अमानतें हैं तो उसको अमानत वालों के सुपुर्द करना है वो इस दर्जे में उसके लिए वॉचफुल होता है कि उसको कहा गया राई की तरह होता है वो उसकी उस उसको इस तरह से निगेबानी करता है देखिए अमानत हर वो चीज़ है जो इंसान ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है ठीक है तो बहुत सी चीज़ें अमानत होती हैं सिर्फ़ ये है नहीं कि किसी ने जाते वक्त अपना गहना आपके पास रख दिया तो बस वही अमानत है नहीं अमानत की बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है जैसा कि हमारा जिस्म ख़ुद अल्लाह ताला की दिवी अमानत है इस जिस्म के साथ भी हम ऐसा कोई अमल नहीं कर सकते जो इसको तकलीफ़ और पहुँचाए और इसको हलाक कर दे हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते ये भी एक अमानत है उसके अलावा अमाल है वो अल्लाह की तरफ से एक अमानत है उसको पर्पज़फुली दिया गया है उसको टेस्ट के लिए दिया गया है उसके बारे में पूछा जाएगा तो माल भी अमानत है औलाद अल्लाह ने अदा की है तो वो भी अमानत है कि उसको दिया ही गया था किसी पर्पज़ के लिए उसे तरबियत और तहजीब सिखाई कि नहीं सिखाई, उसे अल्लाह की पहचान कराई कि नहीं कराई ये सब सवाल होने वाले हैं तो औलाद भी अमानत है कोई अहदा है कोई ड्यूटी है कोई पोजीशन दे दी गई है वो भी अमानत है उसके साथ जो ड्यूटीज़ जुड़ी हुई हैं जिम्मेदारियां जो जुड़ी हुई हैं उन जिम्मेदारियों को निभाना है इसलिए वो अहदा भी वो पोजीशन भी वो बैच भी वो टाइटल भी वो अमानत है अमानत है उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं उसके वो अमानत है कि उनको पूरा करना है किसी ने कोई बात बताई है राज की राज रखने के लिए कहा है वो भी उसकी अमानत है कि वो उसका राज किसी पर आया नहीं होना चाहिए मजलिस में कोई बात सुनी है वो दूसरे तक पहुंचाई जैसी सुनी वैसी पहुंचाई तो अमानत में ख़ियानत नहीं हुई लेकिन सुना कुछ था और पहुंचाया कुछ और ये खयानत है तो किस्म की अमानतें हैं एक मोमिन कैसा होता है जब भी उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए जब भी अमानत उसके पास रखी जाए कोई भी तरह से उसे अमीन बनाया जाए तो वो उसके लिए लॉयल हो वो अमानत को फुलफ़िल करने वाला हो और खियानत ना करे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की हदीस है उसमें अब में, में शबुल ईमान में है और मुस्नद अहमद में हदीस नंबर सेवन वन एट नाइन है अनस बिन मालिक रज़ी का बयान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस साल तक ख़ादम ख़ास की हैसियत है कहते हैं शायद ही कोई खुतबा ऐसा हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया हो और ये अल्फ़ाज शामिल ना हो कौन से लाईमाना लिमल्ला अमान तला बला दीना उस शख़्स का कोई ईमान नहीं जिसके पास अमानत दारी नहीं और उसका कोई दीन नहीं जिसके अंदर इफाए अहद नहीं अकबर इतनी बड़ी बात हम समझते हैं वादा तोड़ना और खयानत करना कोई गुनाह ही नहीं है ये नेकी शुमार ही नहीं करते हम कहीं से भी लेकिन इतनी बड़ी बात है कि जो इंसान इंसानों की अमानतें ना उठा सके उसके लिए वो ख्यात कर बैठे तो वो अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत सारी अमानतों का क्या पास लिहाज रखेगा तो किस बात का उसका ईमान है अल्लाह पर और जो इफा अहद ना कर सके तो वो कैसा है जो ईफा अहद जिसके अंदर आदत नहीं वादा करता है और दूसरे दिन तोड़ देता है वो वो कैसा है उसका कोई दीन नहीं दीन की बुनियाद तो अहद पर है आखिर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है हाँ huh? कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन भी होता है लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ है ये भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि शोहर की कुछ जिम्मेदारियाँ वो पूरी करेगा बीवी से रिलेटेड और बीवी की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं वो शोहर से रिलेटेड पूरी करेगी ये हिडन कॉन्ट्रैक्ट है चाहे निका नामे पर लिख के साइन ना करवाया जाता हो अंडरस्टूड है वालदा और औलाद हैं इनका रिश्ता है ये क्या है ये भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि औलाद के कुछ हुकूक होते हैं जब वो नातवान होगी तो वालदे उन्हें सींचेंगे उनके सारे हुकूक देंगे जब वो स्ट्रांग हो जाएगी तो वालदान के वो नातवान हो जाएंगे उनके हुकूक अदा करना ये कॉन्ट्रैक्ट है तो जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा ही ना करे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले फिर वो चीज़ करे ही ना जो डूज़ उसमें लिखे गए थे तो फिर किस बात का उसका दीन है पूरे दीन की बुनियादें कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, अल्लाह और बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो अपना खालिक और अपना मालिक उसे समझेगा सिर्फ ये पेशानी ये उसी के आगे झुकेगी और वो मांगेगा तो उससे मांगेगा और वो दुआएं करेगा तो उससे करेगा और अल्लाह का हक है कि अल्लाह के ऊपर हक़ है कि वो अपने बंदे की ज़रूरियात को पूरी करे तो अल्लाह ताला अपने साइड से तो पूरा करता रहता है और बंदा अपने साइड से दगा कर देता है तो फिर वो अपने खालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैसा पूरा करेगा तो फिर किस बात का दीन है पूरा दीन ही कॉन्ट्रैक्ट पर है पूरा दीन ही आहद है तो कि जो जिसके अंदर इफाई अहद नहीं उसका कोई दीन नहीं ये छोटी सी बात नहीं है तो मोमिन कैसे होते हैं मोमिन ऐसे होते हैं कि अल्लाह तरफ से हो चाहे बंदों की तरफ से चाहे समाज की तरफ से कोई भी अमानतें हो या कोई भी वादे हो उसका पासों लिहाज करते हैं उसके रायी बन जाते हैं उसके उसके लिए बहुत वॉचफुल रहते हैं बुखारी है जैसे राइन तुम में से हर, हर कोई चरवाहा है हर एक राई है वकुलुकुम कुलुकम मसूल उन अनयती ही कि में से हर एक से उसकी रायत के मुतालिक पूछा जाएगा यानी जो जिसका भी वॉचफुल है उसके अंडर में जो कुछ है उसके बारे में पूछा जाएगा वालमारा तो राय तुम फीबाई तिजाऊ जी हाँ वो वाला जी ही और एक औरत राय है निगरा है अपने शोहर के घर के और इसके औलाद की पूछा जाएगा औरतों से शोहर की औलाद के बारे में उसके घर उसके घर में रखा माल उसके अंडर में जो है उसके बारे में पूछा जाएगा एक मर्द के अंडर में पूरी फैमिली है पूछा जाएगा उससे तो इंसान हर इंसान ही राय है तो जो इंसान अपने अमानतों और वादों की रियायत ना कर सके उसकी निगरानी ना कर सके तो फिर वो जन्नत में जाने लायक कहाँ होगा बहुत बड़े बड़े गुनाह हो चुके होंगे उससे तो लिहाजा वो सारी अमानत जो अल्लाह ने बंदे को दी हो या माशरे की तरफ़ से उसके ऊपर आयद होती हो या अफ़राद ने उन, उन कोई अमानतें दी हों इन सब का पास लिहाज रखना होगा और माहदे जिस भी तरह के हों चाहे इंसान के खुदा के दरमियान माहदे हों चाहे इंसान के इंसान के साथ साथे हों या किसी कौम के दूसरी कौम के साथ साथे हों इन सभी लेवल्स पर उन सब को पूरा करना होगा निभाना होगा की हिफाजत करना होगा जैसे चरवाहा अपनी बकरियों के गले की हिफाजत करता है तभी तो वो राई कहलाता है अल्लाह ताला तह रोज़े आख़रत वादों के बारे में पूछा जाएगा पुराने हकीम में बारह वादों की हिफाजत करने के लिए कहा गया सूर्य मायदा तो बिगे नहीं ऐसे होती है सूर्य मायदा की याद नंबर एक है यादी नाव अव बिल्कूद ए लोगो जो ईमान लाए हो अपने वादों को पूरा करो फुलफ़िल योर कोविनेंट्स जो भी तुमने वाहे वादे किए हैं उनको पूरा करो तो किसी भी माशरे का निज़ाम उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक वहाँ के अमानत दार अमानतें अदा न करें और वादा जिन्होंने किया है वो वादे पूरे ना करें अभी देखिए ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इसमें जितने एग्जीक्यूटिव हैं लीडर्स हैं ये सब क्या हैं इनके पास पूरे मुल्क की अमानतें हैं अब जब ये हमारी अमानतें अदा नहीं करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है ना तो इनके लिए भी ऑर्डर है सुरनिशा के आने वो में कि अमानत वालों की अमानतें अदा कर दो हाँ तो इनके पास अमानतें हैं तो ये पूरे कंट्री लेवल पर इनके पास अमानतें हैं हमारे पास हो सकता है स्मॉल स्केल पर हो लेकिन अमानतें सबकी होती ही हैं जैसा कि अभी आप कुछ बातें सुन रहे हैं वो भी एक अमानत है कुछ और जाके बयान कर दिया गया तो वो खयानत हो जाएगी तो इस तरह माशरे में अमन क़ायम करने की ये बुनियादें हैं कि वहाँ के लोग बहुत अमीन हों और वादा निभाने वाले हों तो फिर जो जिनके अंदर ये सिफात होगी तो अल्लाह ताला उनको क्यों ना जन्नत में जगह दे उसके बाद अब एक आखिरी शिफत इस तसलसल में जो है उसको सुन लीजिए आई नंबर नाइन जो अपनी नमाजों के लिए गहबानी करते हैं अब आखिर में फिर वही बात कही गई जहाँ से बिगेन किया गया था रिलेटेड टू सलाह। दूसरी आयत में क्या कहा गया था कि वो जो अपनी नमाजों में ख़ुशों इख्तियार करते हैं और यहाँ पे क्या कहा गया वल्ल नल्ह तिम यूहा फिजूल वो जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं निगेबानी करते हैं वहाँ पे सिंगुलर आया है वर्ड शलह आई नंबर टू में और यहाँ पर प्लूरल आया है शलवाति सलावात वर्ड आया ठीक है प्लूरल है वहाँ पर आई नंबर टू में जो बात हो रही है इट इज़ रिलेटेड टू खुशबू विच इज़ समथिंग इंटरनल अंदर की कोई चीज़ की बात हो रही है ठीक है क्वालिटी की बात हो रही है अब यहाँ पे जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो starting वो स्टार्टिंग में वही सलाह से शुरू हुआ और यहाँ पे सलाह पे ही ब्रैकेट भी क्लोज भी हो रहा है तो यहाँ प्लूरल की बात हो रही है वहाँ सलाह जिन्स की बात हो रही है और यहाँ नमाजों की तमाम तरह की नमाजों की मुहाफ़त की बात हो रही है समथिंग रिलेटेड टू एक्सटर्नल थिंग और समथिंग रिलेटेड टू क्वान्टी कितनी नमाजों की पाबंदी करते हैं यानी पांचों नमाज़ें पढ़ने के अलावा नवाफिल भी अदा करते हैं फज्र की सुन्नतों में कोताही नहीं करते हैं और कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं सलातु जुहा भी पढ़ते हैं ताजुद भी पढ़ते वगैरह वगैरह ठीक है तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी की बात है और वहाँ क्वालिटी की बात है तो पहले जो कुछ करना है उसको सही क्वालिटी के साथ करना है खुशियों के साथ करना है सलाम है लेकिन बाद में जो एक बात और कह दी गई सलाह तहम यु हाफुलनमाजों की हिफाजत करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ आ गई अदर दैन क्वान्टिट्टी क्या क्या और चीज़ें आ गई कि भाई हिफाजत किस जिस दर्जे में पहली बात तो सलाह को उसके वक्त पर पढ़ना वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना एकदम आखिर वक्त पे वक्त ख़त्म होते होते बस मुर्गे की तरह दो ठोंगे मार लेना ये वाली नमाज नहीं उसके अलावा तहारत का पूरा अहतमाम करना अपने आप को पाक रखना और इसके लिए कॉन्शियस रहना कि हम पाक भी हैं नमाज़ के केपेबल हैं उसके लिए कि नहीं तबला रुख होकर पढ़ना उसके अलावा तमाम अवात की पाबंदी करना संजीदगी इख्तियार करना नमाज़ों में कि अभी दुनिया से थोड़ा सा दिल दिमाग को हटा के अल्लाह की तरफ होकर संजीदा होकर पढ़ना मर्दों के लिए जमात से नमाज पढ़ना उसके अलावा ऐसे कामों से परहेज़ करना बिटवीन द सला बिटवीन सलातें, जिससे नमाज़ें पढ़ी पढ़ाई नमाजें ज़ाय हो जाती हैं यानी ऐसे भी काम हैं जिनसे नमाजें भी हो जाएंगी उन कामों से परहेज़ करना ये सारी तरह से सब चीज़ें करेंगे तो इसको कहेंगे कि सलावात नमाज़ों की हिफाज़त कर रहे हैं तो ऐसे सारी चीज़ें करना है और काहली सुस्ती के साथ नहीं पढ़ना ये मुनाफिक की सलाह कहा गया है सूर्य नजा सूरह नंबर फोर आंबर वन फोर्टी टू में वैसा कम उलाती काम कि वो जब भी आते हैं नमाज के लिए जब भी खड़े होते हैं तो नहीं खड़े होते मगर कसल मंदी काहिली के साथ बहुत कसमसा कर तो यह कसमसाने वाली नमाज नहीं कि ठंड लग रही है तो वजू कैसे करें तो कसमसा रहे हैं तो उठ रहे हैं अभी असर का वक्त एकदम निकलने लगे तो चले फिर वो वजू करना ही पड़ा कि चलो उसी से मगरिब भी हो जाएगी तो उठ के वजू किया नहीं कि मुनाफिक की सलाह है मोमिन ऐसे सलाह नहीं पड़ते मोमिन तो एक नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरे का इंतज़ार करता रहता है क्योंकि सलाह तो बंदे की रब से सरगोशी है तो हम कितने शौक़ से इस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि अल्लाह ताला के साथ अहिस्ता अकेले में कुछ बात करने का वक्त आ जाए और मैं पढ़ूँ आपको याद होगा वो हदीस जो बंदे अल्लाह ताला के अर्श के सहाय में जगह पाएंगे रोज़ आख़िरत उनमें से एक वो भी होगा जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता हो उसका मतलब क्या है यानी एक नमाज पढ़ के दूसरे पे उसका इंतज़ार करते रहते हो कि फिर दूम अरब से बात करने का वक्त आए और मैं करूँ तो मोमिन की नमाज ऐसी होती है तो और याद रखिए कि अल्लाह ताला को जो सबसे महबूब अमल है वो सलाह को वक्त पर पढ़ना है यू नो हदीस है आपको पता होगी हदीस कि जब पूछा गया आपसे या रसोल्ला सल्ला वसलम अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल महबूब है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज़ को उसके वक्त पर पढ़ना फरमाया पूछा गया उसके बाद कौन या रसोल्ला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालदान के साथ हसन व सलूक करना उनके साथ खैर व भलाई करना पूछा गया उसके बाद कौन सा अमल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिहाद फी साबूल्ला सुबहानल्ला जिहाद फी साबूल्ला जैसा अहम अजीम अमल थर्ड नंबर पे आ रहा है उसके ऊपर वालदा उसके ऊपर सलाह को वक्त पर पढ़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद है तो ऐसे लोग कौन होंगे उनकी खुशखबरी सुनाई जा रही है अगली दुआयात में هم الوارثون. يا إيه وارثها؟ "الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون". جو الفردوس كي وارثهم. जहाँ वो हमेशा तो ये सारे अमाल जो करेगा जिसके अंदर ये तमाम सिफात होंगी उसके मुताबिक़ अल्लाह ताला का वादा है वो वारिस होंगे वारिस वारिस अल्लाह दे आर द इनहेरिटर्स किस चीज के फिरदौस के वारिस फिरदौस क्या है जन्नत का आला तरीन दर्जा है सबको पता है क्योंकि शौक सबको बहुत है माशाल्लाह तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उला ही का हमुल वारिस वो वारिस होंगे क्यों कहा गया वारिस होंगे जन्नत के इनाम में क्यों नहीं मिलेगी विरासत में क्यों मिलेगी जन्नत इसके लिए मुख्तलिफ आ आरा हैं पहली बात तो ये हुई कि जो विरासत में चीज़ मिलती है इन्हेरिटेंस में वो ख़ुद ब खुद बाखुद मिल जाती है मिलकियत में आ जाती है और इस मिल्कियत को मनसूख नहीं किया जा सकता कोई से काट नहीं कर सकता बस वारिस है जो वो वारिस है लिहाजा जन्नत जब विरासत में मिल जाएगी तो उसे कोई छीन नहीं सकता उसका जो मुस्तक होगा वो जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा उसे कोई छीन नहीं सकता दूसरी बात ये कि मतलब विरासत आखिर में मिलती है कार के बाद मिलती है तो क्योंकि वालदेन की जब डेथ हो जाती है तो तर्के में ही तो विरासत मिलती है हुँ? या जिसकी जो भी जिससे भी इनहेरिट कर रहे हैं उसकी जब डेथ हो जाती है तो तर्के में मिलता है ना तर्क होने के तर्क किए हुई चीज़ को विरासत कहते हैं तो ये जो जन्नत है वो भी आखिर में मिलेगी दुनिया के सारी ज़िंदगी ख़त्म होगी क़यामत का हिसाब किताब फिनिश हो जाएगा उसके बाद मिल जाएगी इस वजह से भी इसको कहते हैं और एक आरा में से एक राय यह भी है कि आदम सलाम ने वो छोड़ा था वो जगह इसलिए फिर वहाँ रिटर्न होंगे इसलिए भी कह सकते हैं कि वारिस कहा गया जन्नत के तो औ, और एक राय ये भी है कि जन्नत हदीस से पता चलता है ना कि जन्नत में हर किसी की जगह है फिर दोस्त में हर किसी की जगह है सबकी जगह फिक्स कर दी गई है इंसान का अमल है जो कुछ लोग जन्नत में नहीं पहुंच पाएंगे तो जो जन्नत में नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी जगह बकिया जगह भी वो लोग अवेल करेंगे जो जन्नत में पहुंच जाएंगे यानी जब सबकी जगह ऑलरेडी फिक्स्ड थी जो हदीस से पता चलता है हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं ठीक है जन्नत में सबकी जगह ऑलरेडी फिक्स्ड थी तो फिर वहाँ तक पहुँच जाने में कहेंगे फिर मीराश में मिली है ठीक है अजीत तरह में भी सबकी जगह फिक्स्ड है फिर अपने आमाल की बुलंदी से इंसान जन्नत में पहुंच जाएगा तो वो जहनमियों के हवाले हो जाएगी वो जगह जो जिसके इनहेरिटर्स वहाँ नहीं पहुँचे जन्नत में पहुँच गए तो दोनों जगह अल्लाह ताला ने सबका मकाम बना दिया है ये हमारे अमाल होंगे जैसा कि हदीस से ये भी पता चलता है कि बल्कि क़ुरान में भी है कि उनके अमाल का बदला होगा तो ये वो आमाल होंगे जो जन्नत तक पहुंचाएंगे। अब यहाँ पे कौन सी जन्नत की बात हो रही है फिरदौस फिरदौस जो लफ्ज़ है इंग्लिश में इसको पैराडाइज कहते हैं और बहुत सारी दूसरी जबानों में भी ये लफ्ज़ पाया जाता है जिसका माना होता है ग्रीन वाली एक गार्डन ऐसा सब्ज़ हरा ऐसा गार्डन जहाँ ऑल काइंड्स के फ्रूट्स और फ्लावर्स हों दूसरी जबानों में फिरदोस लफ्ज के साथ आ, उसमें परिंदों का होना और जानवरों का होना पाया जाना भी वहाँ पर मरूफ है तो अल्लाह ताला ने जो ये ये सफात जिनके अंदर हैं उनके मतलब अल्लाह ताला ने कहा है कि ये फिरदस के वारिस होंगे सबसे आला जन्नतों में जाएंगे। और अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की हदीस ऐसा ही बुखारी की कि जब भी तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस तो फिरदौस का सवाल करो और क्योंकि वो जन्नत का आला तरीन दर्जा है जन्नत की सारी नहरें वहाँ से निकलती हैं और उसके ऊपर रहमान का अर्श है सुबह अल्लाह तो हम में से हर किसी को ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे फिरदौस में जगह दे फिरदौस में तो, तो आइए मिलकर मांगे अल्लाहन असलकल जन्ना बल्कि नस अलुका हम लोग सब एक साथ मिलकर मांगते हैं अल्ला नस अलकल जन्ना व वनाजुब कामार्ला नस अलकल जन्ना वनाजुब का मीना नारन्ना नस अलकल जन्ना व ऊज्बी का मीना अल्लाह हम आपसे जन्नत और खसूस फिर दोस्त का कर सवाल करते हैं और आग के अजाब से पनाह मांगते हैं आमीन जब भी कोई दुआ तीन बार मांगी जाए तो अल्लाह सुन लेते हैं तो इसलिए ख़ास दुआएं अपनी तीन बार मांगा करें लिहाजा ये तमाम सिफात जिनके अंदर होंगी वो फिरदस के वारिस होंगे तो एक बार जल्दी से रिवीजन ले लेते हैं अल्लाह के वक्त हो गया है सबसे पहले ममिनिन के लिए कहा गया वो कामयाब हो गए कौन जो अपनी सलाह में खुशू करते हैं जो लफ् से परहेज़ करते हैं जो ज़कवा़त यानी प्यूरिफिकेशन के तरीके पर आमिल होते हैं और जो अपने प्राइवेट पार्ट्स को गार्ड करते हैं इसके लिए तीन तीन आयात हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या कहा गया कि और वो जो अपने अमानत और वादों का पास लिहाज रखते हैं और वो अपनी सलाह मुकम्मल सब तरह से उसको गार्ड करते हिफ़ाज़त करते हैं इन सिफ़ात को रखने वाले ये सब क्या हैं जन्नतफ़िरदौस के वारिस हैं अल्लामरबानजआमिनमिन हम अल्लामरबाजमिन आमीन या रब्लमिन वख्रदावानादिल्ल रबालमिन वसल वरम् वर्कू